गाइज, आज के टाइम में बहुत सारे लड़के और बहुत सारी लड़कियां इतना ज़्यादा परेशान हैं अपने पिंपल्स को लेके। वो इतनी सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, इतनी सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, पर उनको कोई भी फायदा नहीं होता है, कोई भी रिजल्ट उनको नहीं मिलता है। वो इतनी सारी क्रीम्स यूज़ करते हैं, इतनी सारी मेडिसिन भी खा लेते हैं, पर उनके पिम्पल्स कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। फिर वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब करें तो करें क्या। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको फॉलो करना है। अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके जो पिंपल्स हैं वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं, कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या चीज खाना है और क्या चीज नहीं खाना है, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ होम रेमेडीज भी बताऊंगा। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली जो आपका चेहरा है बिल्कुल साफ हो जाएगा यार, और आपके जो पिंपल्स हैं बिल्कुल गायब हो जाएंगे यार। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है ये आपके लिए। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई ताबिश, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्काइकिंग हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जेन्युइन एंड यूजफुल कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पिंपल्स की, तो इस दुनिया के अंदर करीब 80-90% लोग पिंपल्स को फेस करते हैं यार। ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है यार। इस दुनिया के अंदर 80-90% लोग के पिंपल्स होते हैं एक सर्टेन एज पर यार। बात करते हैं पहली टिप के बारे में, वो ये है कि पॉपिंग पिंपल्स। जब भी आपके चेहरे पर पिंपल्स आता है तो उसको आप लोग बार बार हाथ लगाते हो। अगर हम लोग अपने पिंपल्स को बार बार हाथ लगाते हैं तो उससे होता क्या है, हमारे हाथों में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया लगे हुए होते हैं। अगर हम बार बार हाथ लगाएंगे अपने पिंपल्स पर तो हमारा पिंपल्स और खराब हो जाएगा, हमारी स्किन और डैमेज होना शुरू हो जाएगी, हमारा जो चेहरा बेकार होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अगर पिंपल आया है फेस पर तो उसको नेचुरल तरीके से ठीक करना है, ऐसे ही छोड़ देना यार, बार बार हाथ नहीं लगाना है। बार बार हाथ लगाओगे तो बैक्टीरिया लगे होंगे, तो आपका जो पिंपल्स है वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो पहली गलती आपको ये बिल्कुल अवॉइड कर देनी है। बात करते हैं अगली चीज के बारे में, वो ये है कि आपको दिन में 2 बार अपना फेस जरूर वॉश करना है, अपना चेहरा जरूर धुलना है। और कब कब वॉश करना है, सुबह में तो आप करते ही होगे, और एक अच्छा सा फेस वॉश भी आप यूज करते होगे अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो आपको सुबह में तो आप वॉश कर ही रहे हो, और जब भी आप बाहर जाते हो घर से, और खास करके रात के टाइम पर जब भी आप बाहर जाते हो और बाहर से जब घर पर आते हो तो अपना चेहरा जरूर वॉश करना है यार। उसका रीजन ये है कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी होती है, डस्ट होती है, वो हमारे चेहरे पर लगती है और हमारे फेस पर पिंपल्स आ जाते हैं यार। तो आपको ये चीज जरूर फॉलो करना है यार। बात करते हैं अगली चीज के बारे में, वो ये है कि आप लोग साबुन का इस्तेमाल कर रहे हो, साबुन का यूज कर रहे हो अपने फेस पर यार। मैं आपको बताऊं, साबुन में, सोप में बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए ठीक नहीं होते हैं, हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि अगर आप साबुन यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसको बंद कर दीजिए, प्लीज उसको स्टॉप कर दीजिए, साबुन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छे ब्रांड का फेस वॉश ही इस्तेमाल करें। बात करते हैं अगली चीज के बारे में, वो ये है कि जो हमारा तकिया होता है उसको चेंज नहीं करना, उसको टाइम टू टाइम नहीं धुलवाना। मैं आपको बताऊं, जब भी हम सोने के लिए जाते हैं अगर हम अपने तकिए को, हम अपने पिलो को टाइम टू टाइम नहीं धुलवाएंगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया लगे होते हैं, और जब हम उस पर सोते हैं यार तो वो बैक्टीरिया हमारे डायरेक्टली फेस पर लगता है, और जब डायरेक्टली फेस पर लगेगा तो आप सोच सकते हो कि आपके चेहरे का क्या होगा, कि पिंपल्स निकलेंगे या पिंपल्स खत्म होंगे, तो आप खुद सोच सकते हो। तो आपको कोशिश करना है कि हफ्ते में अपना जो तकिया है, अपना जो पिलो है जिस पर आप सोते हो, उसको जरूर धुलवाना यार। और बात करते हैं अगली चीज के बारे में, वो ये है कि आप लोग तेज धूप में चले जाते हो यार। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो आपको तेज धूप में नहीं जाना है, सनलाइट को थोड़ा सा अवॉइड करना है। और बात करते हैं अगली चीज के बारे में, वो ये है कि चूज प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्किन। मैं आपको बताऊं, स्किन जो होती है वो कई तरीके की होती है, ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, और कॉम्बिनेशन भी होती है। आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट चूज करें। बहुत सारे लोग ऐसे ही प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं यार। जो भी प्रोडक्ट आप यूज करें उस पर साफ साफ लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट कौन सी स्किन वालों के लिए बनाया गया है। अगर नहीं लिखा होता है तो आप किसी से मालूम कर लीजिए, जहां पर भी आप परचेस करने के लिए जा रहे हो, या गूगल पर सर्च कर लीजिए, या डॉक्टर से पूछ लीजिए किसी। तो आपको क्या करना है, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट चूज करना यार। बात करते हैं अगली चीज के बारे में, वो ये है कि एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करना यार। मैं आपको बताऊं, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं यार तो हमारे चेहरे पर पिंपल्स बढ़ने लगते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं डेली तो पिंपल्स कम होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं यार। ये मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया यार।
कुछ टाइम पहले मेरे चेहरे पर भी पिंपल्स होते थे काफी। जब से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी है यार, तो मेरे चेहरे पर बहुत ही कम पिंपल्स होते हैं यार। अगर आप भी एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे ना, तो आपके भी चेहरे पर बहुत कम पिंपल्स हो जाएंगे। दोस्तों ये तो बातें हो गई कि आपको कौन कौन सी चीजें फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या चीज खाना है। जो खाना होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो आपने लाखों करोड़ों बार सुना होगा कि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हम बनते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या चीज खाना है और क्या चीज नहीं खाना है। अब हम बात करते हैं क्या चीज खाना है आपको। बात करते हैं पहली चीज के बारे में, वो ये है कि आपको प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में जरूर ऐड करना है। दही के अंदर काफी अच्छी क्वांटिटी में प्रोबायोटिक्स होते हैं। अगर हम अपनी डाइट के अंदर दही ऐड करते हैं, तो उससे होता क्या है, हमारा डाइजेशन काफी अच्छा रहता है। और जब हमारा डाइजेशन काफी अच्छा रहेगा, तो वो डायरेक्टली हमारी ओवरऑल हेल्थ से कनेक्टेड होता है यार। तो हमारा अगर पेट सही रहेगा, तो हमारी स्किन भी सही रहेगी, हमारी ओवरऑल हेल्थ भी सही रहेगी। नंबर टू, आप जो है एप्पल साइडर विनेगर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर आप जो है सुबह में जैसे ही आप सोकर उठते हो, तो एक स्पून एप्पल साइडर विनेगर लीजिए और एक ग्लास वाटर लीजिए, उसे मिक्स करके पी सकते हैं आप। अगर आपको परचेज करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप परचेज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम यार। बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपकी ओवरऑल हेल्थ को यार। उसके अंदर काफी अच्छी क्वांटिटी में विटामिंस भी मिल जाते हैं आपको, और उसके अंदर काफी अच्छी क्वांटिटी प्रोबायोटिक्स भी मिल जाएंगे। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। अगर आप चाहते हो तो परचेज कर सकते हो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम यार। बात करते हैं दूसरे फूड के बारे में, वो ये कि आपको अपनी डाइट के अंदर विटामिन सी फूड जरूर ऐड करना है। विटामिन सी में आप क्या चीज ऐड कर सकते हैं, आप जो है ऑरेंज ऐड कर सकते हैं, लेमन ऐड कर सकते हैं, टोमेटो ऐड कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस यार विटामिन सी के। तो आप गूगल पर जाइए, चेक कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज करिए। और जो विटामिन सी वाले फूड होते हैं, वो हमारी स्किन के लिए, हमारे पिंपल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बात करते हैं अगले फूड के बारे में, वो ये है कि आपको अपनी डाइट में विटामिन ए वाले फूड जरूर ऐड करना है। जो विटामिन ए होता है, वो भी हमारी स्किन के लिए, हमारे पिंपल्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। विटामिन ए में आप क्या ऐड कर सकते हो, कैरेट ऐड कर सकते हो, गाजर ऐड कर सकते हो, आप जो है वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, उसके काफी अच्छी क्वांटिटी में आपको विटामिन ए मिल जाएगा। बात करते हैं अगली चीज के बारे में, वो ये है कि आपको अपनी डाइट में हाई फाइबर फूड जरूर ऐड करना है। कौन से होते हैं हाई फाइबर फूड? अगर हम बात करें हाई फाइबर फूड की, तो बनाना बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यार। आप बनाना अपनी डाइट में जरूर ऐड करिए। अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की, तो वेजिटेबल में कुकुम्बर बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो आप अपनी डाइट के अंदर एक फ्रूट ये वाला बनाना ऐड करिए। अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की, तो कुकुम्बर अपनी डाइट के अंदर जरूर ऐड करिए। और बात करते हैं अगली चीज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। अगर हम पानी ज्यादा से ज्यादा पियेंगे, तो उससे होता क्या है, हमारी ओवरऑल हेल्थ तो अच्छी होती है, और साथ ही साथ हम हाइड्रेटेड रहते हैं, और हमारे जो पिंपल्स हैं उन पर भी काफी इफेक्ट पड़ता है यार। तो आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। और इस टाइम तो गर्मियां चल रही हैं यार, और पानी हमारे लिए कितना जरूरी है ये आपको अच्छे से पता होगा। और गर्मियों में तो वैसे ही हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए यार। दोस्तों ये तो बातें होंगी कि आपको कौन से फूड्स खाना है। अब मैं आपको बता दूंगी आपको कौन से फूड्स नहीं खाना है। अगर आप ये फूड्स अवॉइड कर दोगे ना, आपके पिंपल्स काफी हद तक गायब हो जाएंगे, काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। मैं जानता हूं, मैं जो भी फूड्स बताने वाला हूं, ये आप 100% बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, पर जितना भी आप खा रहे थे उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए यार। बात करते हैं पहली चीज के बारे में, वो ये है कि आप जितना भी मीठा खा रहे थे, जितनी भी स्वीट्स मिठाइयां खा रहे थे, उसको प्लीज थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। अगर आप मिठाइयां स्वीट्स वगैरह खाओगे, तो आपके पिंपल्स बढ़ जाएंगे यार। तो आपको क्या करना है, मिठाइयां वगैरह कम से कम खाना है। बात करते हैं अगली चीज के बारे में, वो ये है कि जितनी भी ऑयली चीजें होती हैं, जितनी भी तली हुई चीजें होती हैं, जैसे कि समोसे हो गए, ब्रेड पकौड़ हो गया, और भी बहुत सारी मार्केट में चीजें अवेलेबल हैं, तो प्लीज ऑयली चीजें थोड़ी सी कम कर दीजिए यार अपनी डाइट में। अगर आप ऑयली चीजें थोड़ी सी कम कर दोगे ना, तो आपका जो स्किन है वो ग्लो करना शुरू कर देगी, और आपके पिंपल्स काफी हद तक ठीक हो जाएंगे यार। और बात करते हैं अगली चीज के बारे में, वो ये कि अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे, तो प्लीज थोड़ा सा कम कर दीजिए उसको। और अगर आप चाय, बिस्किट, नमकीन, अगर आप ऐसी चीजें खा रहे थे, उसको भी आप बंद कर दीजिए यार। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या चीज नहीं खाना है। अब हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज की, जो कि आप अपने चेहरे पर लगाओगे और आपके जो पिंपल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे यार। तो बात करते हैं पहली होम रेमेडी के बारे में। अगर आपको तुरंत ही पिंपल्स ठीक करना है ना अपने, तो अगर आपका जो पिंपल है बहुत ज्यादा रेड रेड हो रहा है, आप कहीं पार्टी में जा रहे हो या कहीं शादी में जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो आइस होती है, जो बर्फ होती है, अपने फ्रिज से थोड़ी सी बर्फ निकालनी है और उसमें थोड़ी सी रब कर लेनी कुछ टाइम तक, तो आपकी जो रेडनेस होगी, जो पिंपल्स की, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और पिंपल्स थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पिंपल्स जो है इतना ज्यादा शो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है,
आइस जरूर रबने पिंपल पर यार। तो बात करते हैं दूसरी रेमेडी के बारे में, वो ये है कि आपको एलोवेरा यूज करना है यार। एलोवेरा की जो लीफ होती है उसका जो पत्ता होता है जब उसको काटते हैं तो एक जेल टाइप से निकलता है, एक गूदा टाइप से निकलता है, वो अगर आप अपने स्किन पर लगाओगे रेगुलरली तो आपके पिंपल काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। ये नेचुरल है यार, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप लोग मेडिसिन यूज कर रहे थे, आप लोग क्रीम लगा रहे थे, कोई फायदा नहीं हो रहा था, ये चीज ट्राई करो यार, फिर बताना कितना ज्यादा फायदा हुआ। बात करते हैं अगली होम रेमेडी के बारे में, वो ये है कि आपको अपने फेस पर मुल्तानी मिट्टी जरूर लगानी है यार। अगर आप मुल्तानी मिट्टी अपने फेस पर लगाते हो, अपने पिंपल पर लगाते हो, तो आपके पिंपल, आपका फेस ग्लो करने लगता है, आपके पिंपल काफी हद तक कम हो जाते हैं यार। तो आपको क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी अपने फेस पर जरूर लगानी है। किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाएगी तो आप जाइए यार, मुल्तानी मिट्टी परचेस करके लाइए, बहुत ही सस्ती होती है, 1-2-3 रुपए की मिलेगी, और अपने चेहरे पर लगा लीजिए, अपना चेहरा ग्लो कर लीजिए और पिंपल को बिल्कुल गायब कर लीजिए यार। और बात करते हैं अगली होम रेमेडी बारे में, वो ये है कि आपको क्या करना है, नींबू लेना है, लेमन लेना है, उसको काटना है, उसका जो रस होता है वो अपने चेहरे पर थोड़ा सा रब करते रहना है, जहां पर भी आपके पिंपल हो रहा है उसको रब करते रहिए कुछ टाइम तक, फिर अपना चेहरा धुल लीजिए, अपना चेहरा वॉश कर लीजिए यार। ये चार होम रेमेडी ट्राई करिए यार, और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी है पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव है यार, ये सारी चीजें फॉलो करके देखना यार, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ यार, आपके पिंपल्स जड़ से खत्म हो जाएंगे। आप इतना परेशान रह रहे थे, इतने टेंशन में थे, इतनी सारी चीजें ट्राई कर ली थी पर पिंपल आपके खत्म नहीं हो रहे थे। दोस्तों ये सारी चीजें ट्राई करने के बाद मुझे बताना आपको कितनी हेल्प हुई, और अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा यार। और अगर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यार, प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए यार। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट यार, दुआ में रखना, टेक केयर।